वाराणसी में भूमाफियाओं में शासन प्रशासन का खौफ नहीं दिख रहा है। भूमाफिया लोगों को डरा धमकाकर जमीन का सट्टा करा रहे हैं। फुलवरिया निवासी सत्येंद्र सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। भूमाफियाओं ने पीड़ित सत्येंद्र सिंह की जमीन को बंदूक की नोक पर जबरन सट्टा कराया, फिर सत्येंद्र के अकाउंट में पैसा भी नहीं डाला। पुलिस भी इस मामले में हिला हवाली करती नजर आई, जिससे तंग आकर पीड़ित ने मुख्यालय में न्याय की गुहार लगाई है। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। अपना नाम बताइए। हमारा नाम प्रतिनिधि कुमार सिंह, मैं फुलवरिया का निवासी हूँ। आज मुख्यालय आप आए हैं, क्या बोलिए? यह सब अपना सूचना लेकर आए हैं कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुआ है। खाता खुलवा कर चेक बुक पासबुक एटीएम कार्ड सब करने पा सकते हैं। धोखाधड़ी आपके साथ हुई है? हमको जो है कि खाता खुला कर बैनामा करा ली है, उसके बाद मांगने पर हमको देने जा रहे हैं। क्या जमीन कहाँ है आपकी, कितने धोखा किया है? फुलवरिया पर हम के पीछे। कौन है जो आपका जमीन कैसे क्या किया है? धीरज सिंह, उनके बाप का नाम रमेश सिंह, और उसके बाद उदल कुमार वर्मा, बाप का नाम जो है अजय वर्मा। किस प्रकार से उन्होंने धोखा किया? जो आपसे बात हुआ था वो आपको पैसा दिए? 40 लाख की बात हुआ था, हमको 40 लाख रुपया मिला नहीं। कितना मिला? हमको कम से कम 12 लाख रुपया मिला। तो उसके बाद आपने उनसे पैसे की मांग नहीं की? मांगने पर हमको गाली दे रहा था, धमकी चमकी दे रहा था। तो आप बिना पैसे भी रजिस्ट्री क्यों किए? अब क्या किया जाए, हमारे साथ जो है की खाता खोला कर हम कहे में कि खाते में पैसा जो है की 6 लाख रुपया पड़ा था, अभी निगम डाल रहा कर निकाल दिया गया। हम मंगले पर कह रहे तुम्हारा पैसा हो गया, 1000 रुपये तो मारेंगे। तो आप इसकी शिकायत थाने पे पुलिस अधिकारियों कर दी? कहाँ की है? मुख्यमंत्री पोस्टर पर डाल दिए हैं, फिर इनको दिए तो पुलिस अधिकारी को दिए हैं? किसी अधिकारी से मिले हैं? जी अभी कोई अधिकारी से मिले नहीं। आप मिले नहीं तो ऐसे कैसे कहेंगे, जब तक आपको डीएम को मिलना चाहिए, अन्य अधिकारियों से मिलके आप शिकायत करना चाहिए। नहीं शिकायत पड़ा, शिकायत पड़ चुका है। ये शिकायत? हाँ। कागज रखे उसकी? कागज तो ये है हमारे पास। तो क्या कहा अधिकारियों ने? कुछ नहीं, कुछ बोलने नहीं किया, काम हो रहा है बस। और आपको धमकी अभी भी मिल रही है? नहीं, अब जो महीना थी धमकी चमकी नहीं मिला। पैसा बदल कोई बात नहीं हो रहा। आपकी जमीन कहाँ पर है और कितना? उसके पीछे होते हैं। कितना है जमीन? जमीन 2.5 बीघा है। अब क्या चाहते हैं ये बताइए, आप क्या चाहते हैं? हमारी जमीन वापस करे बस। जब वापस ही लेना था तो आपने बेचा क्यों? हमने बेचा नहीं, हमारे साथ धोखाधड़ी हुआ। तो आप क्या चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री से या शासन प्रशासन से आप क्या चाहते हैं कि आपको जमीन मिले? जमीन आपको पैसा मिले? जमीन का जमीन मिले, पैसा देना चाहते हो तो पैसा मिले, नहीं तो हमारी जमीन मिले। हाँ।